हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बना रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनके फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स में बृहस्पति फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है, जो व्यक्ति को लीडरशिप क्वालिटीज देती हैं, और इवन इनकी फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में है। यहां से आप चेक कर सकते हैं इनकी फिंगर्स को, थिकनेस काफी अच्छी है जिसकी वजह से एनर्जी और स्टैमिना भरपूर रहता है व्यक्ति के भीतर। और इवन बेस फैलेंजेस के ऊपर आप देख सकते हैं सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, बहुत ही बारीक रेखाएं आपको यहां पर नजर आ रही होंगी, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर, बेस फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं, जो दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति काफी सोबर नेचर के होते हैं, मिलनसार स्वभाव रखते हैं और दूसरों के साथ बहुत तहजीब से पेश आते हैं। तो कुछ इस तरह की नेचर इनकी रहने वाली है। और इवन फिंगर्स यहां से जुड़ी हुई हैं, जो एक अच्छी चीज है। ऐसे व्यक्ति पैसे को बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं जिनकी फिंगर्स में यहां पर गैप्स नहीं होते। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं फिंगर्स की लंबाई को सूर्य फिंगर से भी ज्यादा अच्छी लेंथ में नजर आ रही है इनकी बृहस्पति फिंगर, जो यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और साथ ही साथ काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी ईगोइस्टिक नेचर भी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है, खासतौर पर नॉलेज के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में ऐसे व्यक्ति काफी अव्वल होते हैं, जिस वजह से थोड़ी सी ईगो होना स्वाभाविक है। और अगर देखा जाए यहां पर इनकी शनि फिंगर को, शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर दोनों आपस में काफी सटी हुई हैं, जो इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी को और काफी अच्छी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। ऐसे व्यक्ति एक डिसिप्लिन फॉलो करने वाली लाइफ जीते हैं जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो और साथ ही साथ एक रूटीन फॉलो करने के साथ काफी ज्यादा मेहनती भी होते हैं। अब बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की। अब देख सकते हैं सूर्य फिंगर की लंबाई यहां पर बृहस्पति फिंगर से थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है, जिसकी वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति का रहता है और अच्छी रिकॉग्निशन रहती है। इवन काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहने की संभावना रहती है। अगर हम बात करें मर्करी फिंगर की, तो आप देख सकते हैं मर्करी फिंगर की जो लंबाई है वो सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं और बिजनेस करने की कैपेबिलिटी भी ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी स्ट्रांग रहती है। तो यहां पर हमने देखा इनकी फिंगर्स की लंबाई को, अगर फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स को देखा जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं काफी क्लियर गैप्स इनके सूर्य और मर्करी फिंगर और सूर्य और शनि फिंगर के बीच में नजर आ रहे हैं। ऐसे गैप्स का होना व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर देता है, ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर काम नहीं कर पाते, काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट रहते हैं। जो गैप्स यह रहते हैं इसकी वजह से व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी रेखाओं को भी यहां पर चेक करेंगे। तो अगर मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट, शनि माउंट और सूर्य माउंट, इन तीनों माउंट्स को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। लेकिन यह जो मर्करी माउंट है यह थोड़ा सा लो सेट हो रहा है, जिसकी वजह से व्यक्ति के भीतर जो बिजनेस एक्यूमेन है वो तो अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ इंट्रोवर्ट टाइप की नेचर हो जाएगी। बिजनेस एक्यूमेन यहाँ पर इसलिए अच्छा रहने वाला है क्योंकि इनके मर्करी माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कमी भी रहती है इस तरह के लो सेट होने की वजह से। यह जो रेखाएं हैं व्यक्ति को हेल्प करती हैं
काफी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स बनाने में, अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने में ऐसी रेखाएं हेल्प करती हैं। और यहाँ पर मर्करी लाइन मौजूद है, लेकिन अगर आप मर्करी लाइन को भी गौर से चेक करोगे तो यह भी ओवरलैप्ड हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग मर्करी लाइन का अभाव है। इस तरह की ब्रोकन मर्करी लाइन का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को डाइजेशन से संबंधित दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी खड़ी रेखाएं होना व्यक्ति को काफी अच्छी हीलिंग पावर्स भी देती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से या अपनी सलाह से लोगों की मदद कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के नॉलेज अच्छी होने की वजह से ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक नेचर के तो होते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, उन्हें अच्छी सलाह देकर या उनके लिए कोई ना कोई हेल्पिंग काम कर दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस भी कहा जाता है। आगे देखते हैं सूर्य माउंट को। अब देख सकते हैं सूर्य माउंट अंदर की तरफ दब रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बेशक कितने भी मददगार क्यों ना हो दूसरों के लिए, इनको यश नहीं मिल पाता। सूर्य माउंट का अंदर की तरफ दबना व्यक्ति के यश में कमी करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की खूब मदद करेंगे लेकिन बदले में इन्हें कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा। इस तरह की व्यक्ति के साथ दिक्कतें आती हैं। और सूर्य माउंट अगर उभरा हुआ हो और सूर्य रेखा लंबी हो, कुछ ऐसी लंबी सूर्य रेखा हो, तभी व्यक्ति यश पाता है। तो यहाँ पर यश की कमी इनकी लाइफ में रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर एक से ज्यादा खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की जो नेचर होती है काफी क्रिएटिव होती है, मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी होती है, एक से ज्यादा तरह के काम एक साथ करने की काबिलियत भी रखते हैं, लेकिन फोकस की कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति को एक काम के ऊपर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते, काम बदलते रहने की भी ऐसे व्यक्ति के भीतर टेंडेंसी रह सकती है। आगे आप देख सकते हैं शनि को। शनि माउंट का एरिया भी शनि सूर्य माउंट की भांति ही दबता हुआ नजर आ रहा है। इस माउंट का दबना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को लाइफ में काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, काफी ज्यादा स्ट्रगल ऐसे व्यक्ति की लाइफ के भीतर रहती है जिनका शनि माउंट का एरिया दब रहा हो। और साथ ही साथ अगर जो शनि रेखा है वो भी कुछ इस तरह से हो जो बीच में से आकर आपको हल्की होती नजर आए, डिम होती नजर आए, तो भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल बढ़ जाती है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर 40s की एज में चलकर थोड़ी स्ट्रगल लाइफ में ज्यादा होने की संभावना है, लेकिन ओल्ड एज में काफी बेटर लाइफ रहेगी। बीच में कुछ देर तक इन्हें स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, धन को रुकने में दिक्कतें इनको महसूस हो सकती हैं। जिसका दूसरा कारण, एक तो यहाँ पहला कारण तो यहाँ पर शनि रेखा में कुछ गैप का होना है, शनि रेखा का वीक होना है, और दूसरा कारण यहाँ पर जो इनका मनी ट्रायंगल है उसका खुला हुआ होना। आपको दिखाना चाहूंगा मनी ट्रायंगल को ड्रॉ कर किस तरह से मनी ट्रायंगल बनना चाहिए। मनी ट्रायंगल के लिए तीन रेखाएं चाहिए होती हैं हमें, जैसे यह नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, और यह जो दूसरी लाइन है यह रेखा अगर कंप्लीट है तो यह भी अच्छी चीज है। और तीसरी रेखा होती है बुध रेखा यानी कि मर्करी लाइन, अगर यह रेखा भी कंप्लीट हो और यहां तक टच हो, अगर यह रेखा कुछ इस तरह टच होती तो यह एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल कहलाता। और यहां पर क्या हो रखा है, यहां से यह रेखा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और जो मनी ट्रायंगल है थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा है, इसकी वजह से धन की इनकम तो रहेगी लेकिन साथ साथ यहाँ पर व्यय होता हुआ, धन का खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से फाइनेंशियल दिक्कतें व्यक्ति को लाइफ में टॉलरेट करनी पड़ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बृहस्पति माउंट की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बृहस्पति माउंट का जो एरिया है काफी उभरा हुआ है। इस तरह क्या बृहस्पति माउंट हो तो व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाला होता है, धर्म कर्म के काम करने वाला होता है। जैसे यह माउंट प्रोमिनेंट हो, इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं हो, तो ऐसा व्यक्ति सोशल वर्कर भी हो सकता है, दूसरों की हेल्प करने वाले काम और स्पिरिचुअल किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है ऐसा व्यक्ति, और धर्म कर्म के काम करने की टेंडेंसी ऐसे व्यक्ति की काफी ज्यादा बढ़ जाती है। बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना काफी शुभ माना जाता है। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को। हार्ट की लाइन इनकी कुछ इस तरह से एक कर्व्ड होती हुई और एक ब्रांच इस रेखा की बृहस्पति माउंट तक पहुंचती हुई, इस तरह का वी सिंबल जब भी हाथ में बनता है तो ऐसा व्यक्ति लकी होता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में वी सिंबल बन रहा हो गलत तरीके से पैसा कमाने की लाइफ में कभी भी कोशिश करे तो लॉस होने शुरू हो जाते हैं और वैसे व्यक्ति को लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ हार्ट लाइन की ब्रांच का गुरु माउंट तक पहुंचना, यह जो बृहस्पति माउंट है यहाँ पर अगर हार्ट की लाइन से निकलकर कोई भी एक ब्रांच पहुंच जाती है तो ऐसे व्यक्ति दिल से स्पिरिचुअल होते हैं,
दिखावे की स्पिरिचुअलिटी इन्हें पसंद नहीं होती, इस तरह की ब्रांच अगर यहां तक पहुंचती है तो लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी हम इनको कह सकते हैं। और साथ ही साथ यह जो ब्रांच ऊपर की तरफ मुड़ रही है, इस तरह की ब्रांच होने से व्यक्ति थोड़ा सा इमोशनल भी रह सकता है, इमोशनल टाइप की नेचर रहने की संभावना को बढ़ाती है। और आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है, और अगर इनकी माइंड की लाइन को चेक किया जाए तो काफी लंबी माइंड की लाइन, लेकिन नीचे की तरफ झुकती हुई ओवर इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी बनाती हुई। ऐसे व्यक्ति कल्पनाएं बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा सोच जो है, जो थॉट प्रोसेस है, ऐसे व्यक्ति का काफी तेज होता है, बहुत ज्यादा थॉट्स माइंड में आती रहती हैं, और ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता है, जिस वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी ऐसे व्यक्ति को होने की संभावना रहती है। अदरवाइज माइंड की लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, माइंड की लाइन यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं लाइफ लाइन की तरफ। अब देख सकते हैं लाइफ की लाइन आगे आकर बिल्कुल इनकी जो फेट लाइन है उसके साथ ही जुड़ती हुई नजर आ रही है, एक तरह से शिफ्टिंग हो रही है इस रेखा की, कुछ इस तरह से मिडल एज के बाद यह रेखा इस रेखा के साथ मिलकर काम कर रही है। एज जो है यहाँ पर 80 के आसपास रहेगी, लेकिन यहाँ पर लाइफ में पूरी तरह से चेंज 50 की एज के बाद आ सकता है, जो कि एक पॉजिटिव चेंज होगा। ऐसे व्यक्ति को प्रवास भी करना पड़ सकता है जब यह रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाए, घर से दूर किसी और जगह जाकर रहने की संभावना बढ़ जाती है जब जो लाइफ लाइन है वो कुछ इस तरह से शिफ्ट ले रही है, और ऐसा व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट होकर सामने आता है, यानी कि लाइफ पहले से बेहतर होने की संभावना यहाँ पर यह रेखा दर्शा रही है। और अगर बात की जाए इनके शुक्र माउंट की, शुक्र माउंट काफी उभरा हुआ है, इस वजह से व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा खर्चीला भी हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर खर्च कर सकता है। और इस तरह की रेखाओं का होना इस माउंट के ऊपर मैरिड लाइफ में आने वाली कुछ दिक्कतों को और खास तौर पर फैमिली से मिलने वाली वरीज को इंडिकेट करती हैं। और चंद्र माउंट की अगर बात की जाए तो चंद्र माउंट में मुझे किसी तरह की कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही, सिर्फ एक ऐसी आड़ी रेखा जो व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम दे सकती है, उसके अलावा यहाँ पर चंद्र माउंट काफी क्लियर नजर आ रहा है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।